Good morning family, how are you all? Hope you all are good. So this is my fifth vlog and hope you all are enjoying my vlog. So guys, आज का vlog कुछ इस तरह का होगा कि आज मैं शायद जा रही हूँ मॉल, जो कि यहाँ का है बिग बाज़ार मॉल है, जो कि ISBT की साइड है. और आज मैंने सोचा कि मैं वहीं जाऊँ और कुछ आपको कुछ मैंने शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन शायद मेरा कहीं का टूर बन रहा है और कुछ विलेज टूर भी हो सकता है या दूसरी जगह भी टूर हो सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में या फिर परसों के व्लॉग में. परसों के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, अगर मैं जाने वाली होंगी तो कल तक आपको फाइनल डिसीजन मेरा पता चल जाएगा. तो फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं बोलती जब तक प्लान नहीं बनता है, और हम मिलते हैं तो मैं आपको मॉल लेके चलती हूँ आज. और आज घर का कुछ नहीं दिखाऊंगी कि सब सिंपल है, कल वही चीज़ दिखाई थी, तो आज मैं आपको बाहर का व्लॉग का दिखाऊंगी कि हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं घूमने के लिए. ठीक है, चलो. और गाइज यहाँ का मौसम देखो आप कितना ख़राब हो चुका है पूरा. देखो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक बादल आ रखे हैं पूरे. अभी तक तो थोड़ा बहुत उजाला था, लेकिन ये अभी सुबह मॉर्निंग का व्यू है. आप देखो इस साइड पूरा साफ हो रखा है और इस साइड देखो पूरा काले बादल आ रखे हैं, शायद क्या पता बारिश हो, देखते हैं चलो. तो गाइज आज हम जा रहे हैं मॉल, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि आज मैं मॉल जाऊंगी, तो आज मैं जा रही हूँ मॉल. यहाँ का जो बिग बाज़ार मॉल है वहाँ जा रही हूँ, वहाँ दिखाऊंगी मैं आपको कि हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं और कैसे इंजॉय करते हैं. ठीक है, तो चलो पापा मैं मम्मी हम तीनों जा रहे हैं, तो दिखाता हूँ चलो. तो गाइज हम हो चुके हैं रेडी, मम्मा हो चुकी है रेडी. देखो मम्मी का फुल लुक है और मेरा फुल लुक ऐसा है. तो मैं तो अपने पानी की बोतल ले आ रही हूँ, गर्मी बहुत है और इसलिए पानी की बोतल चाहिए. तो मम्मी चलें, चलो रेडी हो गए और पापा हैं वहाँ कार निकाल रहे हैं, तो हम चलते हैं चलो. तो गाइस देखो हम हैं कार में जा रहे हैं, पापा हैं और ये है मम्मी. मम्मी हेलो बोल रहे थे, मम्मी हाय हाय बस हाय. तो गाइज हम जा रहे हैं, देखो ये है बाईपास और जहाँ मॉल में जा रहे हैं वो है ISBT की साइड पे, जहाँ पर बस स्टेशन है देहरादून का, उसी के बगल पे है वो बिग बाज़ार मॉल. हम वहीं जा रहे हैं, ये हैं पापा, ये ड्राइव कर रहे हैं. गाइस देखो ये है होंडा का शोरूम और इस साइड ऐसी बहुत सारे शोरूम है. आप देखो ये है बच्चों के खिलौने टाइप्स, छोटे छोटे बच्चों के. इस साइड का व्यू बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल की ओर, उधर साइड पे मॉल है वहां जाएंगे, एंट्री है यहां से घुमा के. और बारिश आने लगी, धूप भी आ रखी है, बारिश भी आ रही है. मम्मी की मुस्कुराहट, हाँ बारिश की बूंदें आ रही है और मौसम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ख़राब. आप देखो ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बारिश भी आने लगी, धूप भी, दोनों एक साथ आ रही है. हमारे पहाड़ में तो बोलते हैं जब बारिश और धूप एक साथ आती है तो किसकी शादी होती है. मम्मी हैं किसी शादी होती है उल्लू की, नहीं किसकी होती है, किसी किसकी शादी बोलते हैं, किसकी होती है, लोमड़ी की, लोमड़ी गधे की, हाँ गधे की शादी होती है हमारे गांव में, बोलते हैं धूप और बारिश एक साथ आती है गधे की शादी होती है. तो बताओ किस गधे की शादी हो रही है आज, मुझे जानना है. बहुत सारे गधे की हो रही होती है. हाँ लग रहा है मैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है और बारिश भी आ रही है, साथ मौसम तो बहुत ठंडा हो चुका है, ठीक ठाक हो चुका है. मतलब जैसे जैसे गर्मी हो रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक हो गया है. चलो चलो हम चलते हैं मॉल की तरफ, दिखो मैं आपको दिखाती हूँ. ये है देखो मॉल बिग बाज़ार, ये पूरा वहाँ से लेके ये इसकी एंट्री है, देखो एंट्री है इसकी. हम यहाँ से जाएंगे बिकॉज यहाँ से तो है गाड़ी की एंट्री, तो हम यहाँ से चलते हैं. हाँ पार्किंग का पैसा है वो, और ऐसे फ्री में पार्किंग का पैसा नहीं. ये देखो रेल छोटे बच्चों की है. हाँ देखो वहाँ पर एक झूला भी है, इसका पूरा ऐसा है ऐसा कुछ, इस तरीके से ये मॉल है. यहाँ पर देखो बच्चे अपना गाड़ी छोटी गाड़ी में कर रहे हैं और वहाँ पर भी हैं झूले छोटे छोटे बच्चों के. एंड यहाँ से है इसकी एंट्री, तो चलते हैं. तो देखो हम आ चुके हैं मॉल, मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छे से है. मम्मी क्या मज़ा आ रहा है, अब आप बहुत अच्छे से
और मैं आपको मौसम भी दिखा दूँ। तो ये देखो मौसम की कुछ नज़ारा ऐसा है, धूप भी है, देखो धूप भी है और बारिश भी आ रही है। तो कुछ लोग ऐसा है, पापा का वेट कर रहे हैं, अभी पापा आ रहे हैं। और ये ऊपर से आपको दिख रहा है गाड़ियाँ चल रही हैं, पर वो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के जस्ट नीचे ये है। पहले तो फ्लाईओवर नहीं था और अब तो ये फ्लाईओवर हो चुका है, तो पूरा फ्लाईओवर है, उसके नीचे ये मॉल है। पापा आ चुके हैं, देखो आपको सामने से दिख रहे हैं, पापा भी आ चुके हैं, तो चलते हैं साथ में मॉल के अंदर, फिर देखते हैं क्या क्या लेते हैं, आज की शॉपिंग क्या होती है आपको देखते हैं। चलो the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. देखो जैसा है और नज़ारा बहुत सुंदर है, आप देखो। और पापा मेरे यहाँ जा चुके हैं, हम भी चलते हैं उनके साथ साथ। गाइस मज़ा तो आ रहा है, हमने फर्स्ट थर्ड फ्लोर में आए थे, वहाँ पे सब खाने का है। और सेकंड फ्लोर में कुछ शॉप्स तो हैं लेकिन कुछ शॉप्स बंद है, देखते हैं क्या लेते हैं यहाँ से, पसंद आएगा तो लेंगे, अगर बंद होगा तो फिर तो क्या मुश्किल ही है शायद। चलो फिर भी देखते हैं, हम कुछ लेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या लेते हैं। अच्छा तो फिर हमने शॉपिंग कर लिए गाइस, मैंने भी कपड़े खरीदे अपने आपको दिखाए थे और पापा ने भी खरीदे। बाबा जी शॉपिंग करने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, में हमें जो है बहुत अच्छा सामान मिला। हाँ पब्लिक के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। मम्मी आपने आपको कैसा लगा शॉपिंग करके? बहुत बढ़िया, मज़ा आया ना। और सच में गाइस बहुत अच्छे कपड़े हैं, अभी मैं आपको जब पहनूंगी उसके बाद इस टाइम पे दिखाऊंगी। मैंने अभी आपको प्राइस भी अच्छे हैं, प्राइस भी इतना कुछ ज़्यादा हैवी, मतलब ज़्यादा हैवी प्राइस नहीं है, ठीक है। अब होता ही है, ब्रांड का होता है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, आप भी मतलब एक नॉर्मल इंसान परचेस कर सकता है उसको। तो चलो आप घर की तरफ जा रहे हैं, मौसम हो चुका है बिल्कुल अंधेरा, हो चुका है काला, हो चुका है बिल्कुल मौसम, चलते हैं। देखो गाइस पूरा मौसम हो चुका है काला और फिर होता है बारिश आने का हो चुका है बिल्कुल, और अब हम जा रहे हैं वापसी की ओर, हम चलते हैं घर को।
तो नीचे जहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा था वहाँ पर एक दो शॉप्स ओपन थी, तो ये बार हमने कहा चलो देखते हैं, अगर ठीक होगा तो ले लेंगे और फिर कपड़े ट्राई करें तो अच्छे लगे हमने ले लिए। और अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, रेंज भी नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज है, आप इजीली आओ परचेज करो, इतना कोई हैवी रेट नहीं है, क्योंकि वी ऑल्सो बिलोंग टू मिडल फैमिली, तो सही है, मेरे अकॉर्डिंग रेट सही है, ऐसा क्योंकि जितना मार्केट के प्राइस है वही प्राइस यहाँ के भी है, महंगाई तो है तो ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं कि क्या पता कुछ खाएं, देखते हैं चलो।